तो देखो, आज से कुछ दिन पहले ही होंडा वालों ने होंडा की अपनी SP160 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 रीजन टू बाय होंडा SP160। और भाई, ये जो होंडा की SP160 है ना, कम्यूटर सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है भाई। कैसे, ये बात आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वाली बाइक को बाय करने की पहले रीजन। जो पहले रीजन है वो है इस वाले बाइक के अंदर आने वाली ABS। तो भाई, इस वाले बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है कि कम्यूटर बाइक में कोई सी भी ऐसी बाइक नहीं जिसके अंदर ABS आती है, बट इस वाले बाइक के अंदर जो ABS आती है वो बहुत अच्छी है। सेकंड रीजन की बात करें तो वो है इस वाले बाइक के अंदर आने वाली सस्पेंशन। इस वाले बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसी कम्यूटर बाइक नहीं जिसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिले। और होंडा वालों ने सबसे अच्छा काम किया है इस वाले बाइक के रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन डाल करके, क्योंकि सेफ्टी वाइज ये काफी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। थर्ड है इस वाले बाइक के अंदर आने वाली लाइट सेटअप। इस बाइक के हेडलाइट आपको LED देखने को मिल जाएगा, टेल लाइट भी LED देखने को मिल जाएगा, बट जो ये टर्न इंडिकेटर है ना, ये आपको हैलोजन में देखने को मिलेगा। बट जो सबसे बेस्ट काम किया गया है कि इस बाइक के अंदर हेजार्ड सिस्टम भी दिया गया है, जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करती है। जब इस वाले बाइक की इग्निशन ऑन होती है तब इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं जलती है, तो उसके लिए होंडा वालों ने इस बाइक के अंदर हेजार्ड सिस्टम डाल दिया है, जो कि काफी अच्छा है एक बाइक के हिसाब से। और ये वाला जो सिस्टम है ना, राइडर को काफी पसंद आएगी। पर्सनली मुझे भी काफी पसंद आती है किसी भी बाइक के अंदर हेजार्ड लगा हुआ हो तो। फोर्थ रीजन की बात करें तो वो है इस वाले बाइक के अंदर आने वाली फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल। इस वाले बाइक के अंदर जो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, उसके अंदर हर वो फीचर दिया गया है जो एक बड़े स्पोर्ट बाइक के अंदर दिया गया होता है। बट हाँ, कुछ चीजें मिसिंग है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इस मीटर के अंदर आती है। और पर्सनली यार, मुझे इस वाले बाइक का जो मीटर है ना, बहुत पसंद आया। मैंने इस वाले बाइक के मीटर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो के ऊपर, तो जा करके देख सकते हो। फिफ्थ रीजन की बात करें तो वो है इस वाले बाइक के अंदर आने वाली सेल्फ स्टार्ट। नहीं यार, एक्चुअल में इस वाले बाइक के अंदर आने वाली सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट भी है। हाँ यार, इस वाले बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। जहाँ पे सेल्फ काम नहीं करे वहाँ पे पैर से किक मार करके स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज मुझे काफी पसंद आया। तो जनरली आजकल हो ये रहा है, जिस वाले बाइक के अंदर सेल्फ दिया जा रहा है, किक नहीं दिया जा रहा है बड़े बड़े सेगमेंट के बाइक में। तो मुझे लग रहा था कि कहीं इसके अंदर भी कुछ ऐसा ना कर दिया जाए, बट होंडा वाले काफी समझदार निकले, इस वाले बाइक के अंदर सेल्फ के साथ साथ किक भी डाल दिया है। और लास्ट में एक बोनस टिप, ये वाली की बाइक जो है ना, इसकी जो प्राइस है 1,17,000, इस सेगमेंट में ये काफी अच्छी बाइक निकल के आती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस वाले बाइक के अंदर आपका भी कोई फेवरेट चीज है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे कर लेना, और यार वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।